नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा गुसाई आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल प्रॉपमैन में। आज हर रोज की तरह मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ खास खबरें, तो चलिए शुरू करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में अब तक के सबसे महंगे अपार्टमेंट के लिए तैयार हो जाइए। दरअसल NCR स्थित रियल स्टेट कंपनी भूटानी इंफ्रा नोएडा के सेक्टर 32 में एक ऊबर लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित करने की योजना बना रहा है। यह एक मिक्स्ड लैंड यूज प्रोजेक्ट होगी जिसमें एक मॉल और लगभग 60 विशाल भव्य और महंगे अपार्टमेंट होंगे। भूटानी इंफ्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष भूटानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रोजेक्ट में कुल अनुमानित निवेश लगभग 600 करोड़ रुपए होने की संभावना है। एक अपार्टमेंट की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए से शुरू होने की संभावना है। यह नोएडा मार्केट में अब तक नहीं सुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट को लगातार तीसरी बार 6.5% पर रखने के निर्णय से रियल स्टेट बाजार को आवासीय बिक्री में स्टेडी ग्रोथ की गति को बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। पिछले मई से लगातार 6 बढ़ोतरी के माध्यम से केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दरों में 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी की थी, जिससे अप्रैल में रेपो रेट में विराम लगने से रेपो दर 6.5% हो गई थी, जिससे 10 अगस्त को हुई RBI MPC ने बिना परिवर्तन के लागू रखा है। COVID-19 महामारी फैलने के बाद से रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का प्रदर्शन मजबूत रहा है। इस अवधि के दौरान सभी बाजारों और सेगमेंट में आवास की बिक्री नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। अब RBI के रेपो रेट स्थिर रखने से रियल स्टेट सेक्टर को गति मिलने की संभावनाओं को बल मिला है। हालांकि होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की पहल बायर्स को और लाभ पहुंचा सकती है, जो बिक्री की गति को तेजी से बढ़ा सकता है। दिल्ली NCR क्षेत्र में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में पिछले 5 साल की अवधि में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुग्राम में सालाना आधार पर 20.3% कीमतों में वृद्धि देखी गई है, जबकि नोएडा में 20.2% की तेजी और ग्रेटर नोएडा में भी 17.6% सालाना उछाल आया है। कीमतें बढ़ने की वजह से सरकारी नीतियों में बदलाव आर्थिक स्थिति को बताया गया है। वहीं रियल स्टेट अधिनियम 2016 से नियामक सुधारों ने आवासीय प्रॉपर्टी बाजार की गतिशीलता में योगदान दिया है। 99acres.com के चीफ बिजनेस ऑफिसर मनीष उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली NCR क्षेत्र में रियल स्टेट बाजार सकारात्मक विकास पथ पर चल रहा है। 2023 में दिल्ली NCR में घर खरीदारों को 1.6 लाख से अधिक आवासीय यूनिट वितरित की जाएगी। मेट्रो लाइन, एक्सप्रेसवे और आगामी हवाई अड्डे के विस्तार जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ साथ वर्ष की पहली तिमाही में नई परियोजना लॉन्च में वृद्धि ने इस क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। महामारी लग्जरी मकानों 1.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि इसके कारण इस मकानों की मांग और आपूर्ति कई गुना बढ़ गई है, जिससे इनकी कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी है। रियल स्टेट रिसर्चर फर्म एनारॉक के मुताबिक देश के टॉप 7 शहरों में पिछले 5 वर्षों में इन मकानों की औसत कीमतों में 24% वृद्धि दर्ज की है, जो अन्य मकानों की तुलना में सबसे अधिक है। एनारॉक के मुताबिक 7 शहरों में लग्जरी मकानों की औसत कीमत 12,400 रुपये वर्ग फुट थी, जो इस साल बढ़कर 15,350 रुपये वर्ग फुट हो गई है। लग्जरी मकान हैदराबाद में सबसे ज्यादा महंगे हुए हैं। हैदराबाद में 2018 में इन मकानों की औसत कीमत 7,450 रुपए थी, जो 2023 में 42% बढ़कर 10,580 रुपए वर्ग फुट हो गई। हैदराबाद के बाद बेंगलुरु और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR में लग्जरी मकानों की कीमतों में 27% का इजाफा हुआ है। चालू कैलेंडर साल की दूसरी अप्रैल से जून तिमाही में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घरों की कीमतों में सालाना आधार पर औसत 14% की वृद्धि हुई है, जबकि मुंबई महानगर क्षेत्र MMR में दाम 3% घटे हैं।
एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। CREDAI, कॉलियर्स इंडिया और लियासेस फोरास की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार मजबूत मांग के कारण दूसरी तिमाही में 8 प्रमुख शहरों में घरों की कीमतों में सालाना आधार पर 7% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता में घरों के दाम सालाना आधार पर सबसे अधिक 15% बढ़े। इसके बाद दिल्ली NCR में 14% और हैदराबाद में कीमतों में 13% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट कहती है कि 8 शहरों में केवल MMR में अप्रैल से जून तिमाही में कीमतों में 3% की गिरावट आई। यहाँ कीमत प्रति वर्ग फुट 19,111 रुपये पर आ गई। आबादी बढ़ने के साथ साथ रहने की जगह की किल्लत जमीनों के दाम को आसमान की ओर ले जा रही है। लगभग हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर जमीनों के सरकारी मूल्य को बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में नया नाम अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जुड़ गया है। दिल्ली सरकार ने एग्रीकल्चरल लैंड यानी कृषि योग्य भूमि के लिए सर्कल रेट को बढ़ाकर अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। यह रकम ऐसे सुनने में तो अधिक लगती है ही, लेकिन पिछली रकम से तुलना करेंगे तो यह और भी ज्यादा हैरान करने वाली लगेगी। दिल्ली में इससे पहले प्रति एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड का अधिकतम सर्कल रेट केवल 53 लाख रुपए था। भारत में रियल स्टेट की बात करें तो इस सेक्टर में दिनों दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी, दोनों के दोनों में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। दिल्ली NCR रियल स्टेट सेक्टर का बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ सभी बड़े डेवलपर्स कई प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं। इसका फायदा जनता को भी मिला है। हालांकि अब भी कई लोग डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचते हैं। इसके पीछे पिछले सालों में हुई कई तरह के प्रोजेक्ट का पूरा ना होना है। हालांकि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको अगर ध्यान में रखकर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश किया जाए तो बायर्स धोखा नहीं खा सकता है। कई खरीदारों के अनुसार बिल्डर्स के पहले के कई मामलों को देखते हुए बायर्स अब प्रोजेक्ट में निवेश करने से घबराता है। उनको लगता है कि बैंक से लोन लेकर प्रोजेक्ट में निवेश कर लिया और प्रोजेक्ट में देरी हो गई तो वह कैसे मैनेज कर पाएंगे। इसको लेकर अंकुर मित्तल कहते हैं कि हर बायर्स को किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले कुछ बिंदुओं में गौर करना चाहिए। ये सभी जानकारी आसानी से ऑनलाइन मिल सकती है और ग्राहक निश्चित होकर रह सकते हैं। यह बिंदु निम्न प्रकार के हैं। पहला, डेवलपर पर इतिहास। दूसरा, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड। तीसरा, डेवलपर से मिलना कितना आसान है और कितना मुश्किल। चौथा, रेरा अप्रूवल और ऑल NOC। पांचवा, रेरा में प्रोजेक्ट की कंप्लीशन गाइडलाइन। छठा, डेवलपर ने बैंक से लोन लिया है कि नहीं या फिर वह कहीं डिफॉल्टर तो नहीं है। सातवा, जिस जमीन पर प्रोजेक्ट बन रहा है उसका पैसा कहीं प्राधिकरण में फंसा तो नहीं है। तो फिलहाल आज मेरे साथ इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी खबरें पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमें आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।